अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एनजीओ, या आप जिसको आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एनजीओ का हम देख रहे हैं एनजीओ का हेड कौन है, उसके मेंबर्स कौन से होंगे, उसके स्टाफ के लोग क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनकी काम कैसे होगी, फंक्शनिंग कैसे होगी। तो हम इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं कि एनजीओ का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक मॉडल है, अच्छा इसको जनरल इन्होंने इंट्रोडक्शन जस्ट पहले दिया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिर्फ एनजीओ का नहीं है, बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, कि जिसे हम कहते हैं ढांचा है, उस ढांचे में बुनियादी चीजें क्या है, उनके काम क्या होंगे, उनका रोल क्या होंगे। इसी तरह से एनजीओ का भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ज्यादातर टिपिकल उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके स्टाफ के मेंबर्स कौन से हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्रिएट अ कॉमन आउटलाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि एक कॉमन स्ट्रक्चर बताना, कि एक कॉमन आउटलाइन बनाना कि हर एनजीओ के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, वो बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर एक एनजीओ दूसरी एनजीओ से मुख्तलिफ है, उनकी वैल्यूज, उनके गोल्स, उनके पर्पजेज, उनके थीम्स, उनकी ऑडियंस, हर एक एनजीओ का दूसरे एनजीओ से डिफरेंट है, इसलिए उनके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और ये जो अगर एक एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ अरसे के बाद उसके अंदर चेंजेस भी आ सकती हैं। या जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं कि पहले की एनजीओस की हम बात करते हैं, कि पहले लोग सोशल मीडिया को, एक तो सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, और दूसरा सोशल मीडिया को देखने वाले लोग भी नहीं थे, ठीक है, जैसे हम आम आवाम की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ, तो एनजीओ ने क्या कर दिया, एनजीओ ने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एक सोशल मीडिया विंग बना ली, ठीक है, कि वो जो विंग है उस एनजीओ की, अब वो क्या करेगी, वो सोशल मीडिया से को डील करेगी, वो सोशल मीडिया के साथ काम करेगी। तो क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो एनजीओ के अंदर उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में ये तब्दीली लेके आए कि सोशल मीडिया विंग बना लिया। तो इट शोज दैट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इट मे चेंज ओवर टाइम, ठीक है। एक तो प्रोजेक्ट्स पे भी डिपेंड कर रहा है कि प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, प्रोग्राम्स कौन से होंगे, और कैसे नए प्रोग्राम शुरू करने हैं इस पे, और दूसरा सिचुएशन पे भी डिपेंड कर रहा है, जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट में या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वो काम कर रहे हैं, तो वो भी उस पे डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ओके, सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनजीओ। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बस एक इन्होंने डिवाइस किया हुआ है कि मेजॉरिटी या कॉमनली इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एनजीओ, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कि ये जो सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, दिस इज टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट है। और इस टॉप मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, ये तीनों मिला के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडवाइजर्स, ये तीनों आपस में मिला के क्या बना रहे होते हैं, एक जनरल असेंबली बना रहे होते हैं, ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास, ये जो नीचे वाला सेक्शन है, ये हमारे पास स्टाफ आता है, ठीक है। अब स्टाफ में कौन कौन से हैं, एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कौन कौन से लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इसके अंदर काम कर रहा होगा, फाइनेंस असिस्टेंट होगा, मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर होगा, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम देख रहा होगा। इसी तरह से कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन मैनेजर कौन सा होगा, जो पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट इसके साथ काम करेगा, पब्लिकेशन असिस्टेंट इसके अंडर काम करेगा, और वेब या सोशल मीडिया असिस्टेंट, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब सोशल मीडिया नहीं था, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला असिस्टेंट था, इसकी पहले प्रेजेंस ही नहीं थी,
लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ, सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी में अपना बहुत ज्यादा रोल प्ले करना शुरू किया, तो इट मीन्स कि सोशल मीडिया असिस्टेंट भी फिर हायर करने शुरू हो गए इस किसी भी एनजीओ के अंदर। अब प्रोग्राम मैनेजर के अंदर कौन कौन काम करते हैं? प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ट्रेनिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट और क्या है, कंसल्टेंट्स एंड फील्ड स्टाफ। ये एक अलग से हैं, ये भी मेंबर्स में आते हैं, ये भी स्टाफ में आते हैं कि उसमें कंसल्टेंट और फील्ड स्टाफ होते हैं। तो ये आपको एक मॉडल शो कर रहा है, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टॉप पे कौन है, उनके नीचे अंडर कौन काम कर रहा है, सबसे जूनियर लेवल पे कौन काम कर रहा है, राइट। अच्छा, इसमें ये भी बताया हुआ कि ये जो फाइनेंस असिस्टेंट है ना, ये फाइनेंस असिस्टेंट, ये वाला, ठीक है, एक तो ये फाइनेंस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के अंडर काम कर रहा है और ये पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के साथ भी काम करेगा, क्योंकि ये फाइनेंस का है ना, फाइनेंस से डील कर रहा है, तो पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं, किन लोगों को देखने हैं, उसके साथ भी मिलके काम करेगा। ये जो मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर है, ये पब्लिक असिस्टेंट के साथ भी काम करेगा। ये जो पब्लिकेशन का असिस्टेंट है, ठीक है, कि पब्लिकेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, किस वक्त करनी है, पब्लिकेशन का असिस्टेंट का एक तो ये इसके अंडर भी आ रहा है, ये सेकंड वन के कम्युनिकेशन डिसेमिनेशन मैनेजर के अंडर भी काम कर रहा है। दूसरा, ये जो पब्लिकेशन असिस्टेंट है, ये प्रोग्राम मैनेजर के साथ भी लिंक होगा। तो दैट शोज कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है एनजीओ का। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक एनजीओ का जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही जैसा हो। हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो उनकी एक्टिविटीज पे, उनके स्कोप पे, उनकी ऑब्जेक्टिव्स पे, कि उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो, राइट। सो हमारे पास सबसे ऊपर क्या था, दैट इज द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, टॉप मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल असेंबली एंड असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब टॉप पे कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये दिस इज हेयर इट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एनजीओ बोर्ड का होना इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। ज्यादातर क्या कहते हैं कि ये एक रिक्वायरमेंट है एनजीओ की, कि अगर वो किसी मुल्क में काम कर रही हैं या बहुत सारी कंट्रीज की, ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि उनका बोर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनका क्या काम है कि वो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं अबाउट एक्टिविटीज और मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे, अब कौन कौन इस बोर्ड में शामिल होगा, वो वॉलेंटरली भी इसमें शामिल हो सकते हैं और नॉन रेन्यूमरेटिव। ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, वो खुद शामिल हुए हुए होते हैं, वो एक पर्टिकुलर, आप ये कह सकते हैं कि वो सैलरी नहीं ले रहे होते, वो कोई पर्टिकुलर अपने काम की पेमेंट नहीं ले रहे होते, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं, रजाकाराना तौर पे इसमें शामिल होती है। तो मेंबरशिप इन अ बोर्ड क्या है, वॉलंटरी एंड नॉन रिन्यूमरेटिव होगी। अब बोर्ड की जो मीटिंग्स होती हैं वो कैप्ट क्लोज होती हैं, आप ऐसे कहते हैं कि वो सीक्रेट टाइप होती हैं, उसमें इस तरह पर्टिकुलर सारे मेंबर्स तरह शरीक नहीं हो सकते। उस बोर्ड मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स, कि वो मीटिंग कैसे हुई है वो लिखते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स बनती हैं उनके बारे में इस मीटिंग्स के ऊपर, इन मीटिंग्स के बाद इनके मिनट्स बनते हैं। अब ये जो मिनट्स हैं, ये समटाइम इट हैपेंस के मिनट्स पब्लिक कर दिए जाते हैं, अवाम को शेयर कर दी जाती हैं कि इस मीटिंग में ये चीजें डिस्कस हुई थी और उनका काम ये था। मकसद क्या है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि जो अगर कोई उन पे चेक करना चाह रहा है कि आइदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली, आइदर दे आर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, या कोई इसमें धांधली नहीं हुई हुई, कोई इसमें करप्शन नहीं कर रहे ये मेंबर्स, तो वो क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी का पर्पस अचीव कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनजीओ, कि एनजीओ किस तरह की है, वो डिपेंड कर रहा होता है, ये दिखा रहा होता है कि बोर्ड के टास्क क्या होंगे, बोर्ड ने काम क्या करना है, बोर्ड क्या काम कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा होगा एनजीओ के ऊपर। एनजीओ बता रही होगी कि बोर्ड के मेंबर्स ने क्या क्या काम करना है, ठीक है। जैसे वो क्या करेंगे, बोर्ड के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हायर करेंगे, वो बजट्स को बनाएंगे और अप्रूव करवाएंगे। बोर्ड मेंबर्स क्या करेंगे, एनजीओ के कॉज को चैंपियन करेंगे,
ओके सो बोर्ड के मेंबर्स की क्या आप ये कह सकते हैं ड्यूटीज बताई गई हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं कि बोर्ड के मेंबर्स क्या करेंगे? दे विल चैम्पियन द एनजीओस कॉज, के एनजीओ का जो कॉज क्या है उसके पीछे उसको लेके चलेंगे, ये एनजीओ को रिप्रेजेंट करेंगे टू द लार्जर कम्युनिटी और ये फंड रेज करने में भी अपना रोल प्ले करेंगे। अब नेक्स्ट इसी एनजीओ बोर्ड में कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का दूसरा नाम क्या है कि इसको कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं, इसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको सीईओ भी कहते हैं। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल डायरेक्शन इन विच द एनजीओ मूव्स, कि जिन जिन चीज़ों पर एनजीओ काम कर रही हैं उस पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द एनजीओ, कि आज के दिन एनजीओ ने क्या काम करना है, कल के दिन एनजीओ ने क्या काम करना है, परसों के दिन एनजीओ ने क्या काम करना है, तो जो मैनेज करना है उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर होती है। इट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड का भी मेंबर होता है, ठीक है, और उस बोर्ड का मेंबर कैसे होता है कि उसका एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होता है, क्योंकि वो बोर्ड को रिपोर्ट्स बना के दे रहा होता है, रिपोर्ट्स कर रहा होता है, उसको सेंड दे बता रहा होता है कि एनजीओ ने ये काम ऐसे कर दिया, इस तरह से कर दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और स्टाफ मेंबर ये हाईएस्ट बॉडी हैं, ये एडवाइस कर रही हैं कि पूरी की पूरी एडवाइस, ये तो गाइड भी कर रहे होते हैं, गाइडेंस भी दे रहे होते हैं, ठीक है, एक तो ये गाइडेंस भी दे रहे होते हैं, एक तो ये एडवाइजेस भी दे रहे होते हैं रिगार्डिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द एनजीओ, के एनजीओ ओवरऑल डेवलप कैसे कर रही है, ये एनजीओ ओवरऑल प्रोग्रेस की तरफ कैसे जा रही है। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं इनको कौन असिस्ट करता है? एडवाइजर्स एक्सिस्ट करते हैं, ठीक है, लेट मी शो यू दैट्स, ये रहा हमारे पास क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने देखा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हमने फंक्शन देखा, और इनको असिस्ट कौन कर रहा है, इनको हेल्प आउट कौन कर रहा है, इनको हेल्प आउट कौन कर रहा है, एडवाइजर्स इनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एडवाइजर्स क्या होंगे? स्पेशलाइज, वो लोग जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज होगी, वो स्पेशलाइज्ड होंगे किसी पर्टिकुलर काम में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, और वो फिर हेल्प आउट कर रहे होंगे इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी। तो ये तीनों की तीनों आपस में मिल के क्या बना रही हैं? फिर ये जनरल असेंबली भी बना रहे हैं, ठीक है। ओके, एडवाइजर्स आर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होती हैं, लेकिन ये एक एनजीओ को एक बहुत अच्छा नाम डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट होते हैं जो एडवाइसेस दे रहे होते हैं। अब जो जनरल असेंबली है, इस लेवल पे जनरल असेंबली बनती है, और उस जो पढ़े थे वो क्या था कि जनरल असेंबली इस लेवल पे सेटअप हो सकती है, और जनरल असेंबली के कौन से होंगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल सच मेंबर्स, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे? उसमें बोर्ड मेंबर्स होंगे, उसमें स्टाफ मेंबर्स भी हो सकते हैं। मीटिंग क्या होगी जनरल असेंबली की? या तो एनुअली होगी या बाय एनुअली होगी, कि साल में एक दफ़ा या साल में दो दफ़ा होगी, और उस मीटिंग में अपने सारे उस एनजीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को, अपने उनके फंक्शंस को। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एनजीओ के अंदर जनरल असेंबली हो, ठीक है, इट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अब जनरल असेंबली अगर होगी तो उससे क्या होगा, किसी भी एनजीओ का जो है वो एक ट्रांसपेरेंट इमेज बहुत अच्छा सामने आएगा। इट विल हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट विद इट्स पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए अच्छा होगा, और पब्लिक रिलेशंस के लिए अच्छा होगा, और फंड रेजिंग एक्टिविटीज के लिए भी अपना रोल प्ले करेगी ये जनरल असेंबली। तो ये हमारे पास क्या थी, हमने ये देखा कि ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एडवाइजर्स हो सकते हैं, इनको मिल सकते हैं, एडवाइजर्स इज ऑप्शनल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। अब हम नीचे लोअर मैनेजमेंट में आते हैं, जो कि हम जिसे हम कहेंगे स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफ हमारे पास कौन कौन से? अब स्टाफ मेंबर की कैटेगरीज क्या बताई है? एक कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, एक कैटेगरी है पब्लिसिटी की, और एक कैटेगरी है प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड। इनकी ग्रुपिंग इस तरह से हुई हुई है। और ये जो स्टाफ होंगे किसको रिपोर्ट करेंगे अपनी एक्टिविटीज को? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपनी चीजें बताएंगे कि हमने काम किस तरह से किया, किस तरह से किया, ये इनको आंसरेबल होंगे। और इनकी जो स्टाफ की जो पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त उनकी पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। समटाइम्स इट हैपेंस कि एक बंदा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहा होता है, वो हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में हो, लेकिन वो फाइनेंस की भी जिम्मेदारी ले सकता है, वो आप ही कह सकते हैं कि वो अकाउंटिंग की भी जिम्मेदारी ले सकता है,
तो इट शोज कि जो स्टाफ की पोजीशन है और स्टाफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फिक्स नहीं है, बल्कि स्टाफ क्या कर रहा होता है, वो अपनी उन चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो शेयर कर रहे होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को कौन चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर चलाएगा, ये आपको ये बताई गई है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एक्टिविटीज कौन चला रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर चला रहा है, इसको असिस्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट असिस्टेंट होगा, इसी एडमिनिस्ट्रेशन की फाइनेंस को डील करने के लिए कौन होगा, फाइनेंस का असिस्टेंट होगा। ओके, बिसाइड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन एनजीओ, फाइनेंस असिस्टेंट में ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंड रेजिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंशियल जो असिस्टेंट है, एक तो उसकी जिम्मेदारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, दूसरी उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने फंड रेजिंग एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, ये जो फाइनेंस असिस्टेंट होगा ये बाकी तमाम जो मेम्बर्स हैं उनके साथ मिलके काम करेगा। ठीक है, जो कम्युनिकेशन के लिए काम कर रही है, कम्युनिकेशन विंग के लोग हैं, ये कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके साथ भी आपस में मिलके काम करेगा, किस पर्पस के लिए, जो प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के लिए। लार्जर एनजीओस क्या है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, बड़ी इंक्रीज होती जाती है, इसका मतलब है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती जाएंगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फॉल अंडर अ सेपरेट पोजिशन। अगर एनजीओ बहुत बड़ी है तो एनजीओ बहुत बड़ी होने की वजह से जो उसकी जिम्मेदारियां हों वो भी क्या होती जाएंगी, वो उसके मेंबर्स में फिर डिवाइड होती जाएंगी। मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर का क्या काम है, मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, ही विल मैनेज द एनजीओ मेंबर्स, वो एनजीओ मेंबर्स को मैनेज करेगा, वो मेंबरशिप की फीस को देखेगा कि मेंबरशिप की फीस कितनी है, कौन देगा, किस तरह से मेंबरशिप हो सकती है, और कस्टमर रिलेशंस, और इसने अपने कस्टमर के रिलेशनशिप्स के साथ कैसे रखने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की एक्टिविटीज क्या है, फाइनेंस असिस्टेंट को देखा कि फाइनेंस असिस्टेंट की क्या एक्टिविटीज होंगी, और मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर की एक्टिविटीज को देखा कि मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर की क्या एक्टिविटीज होंगी। फिर सेकेंड हमारे पास कौन सी विंग थी, कम्युनिकेशन विंग थी। ठीक है, सेकेंड कम्युनिकेशन विंग थी, कि कम्युनिकेशन का क्या मकसद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टाफ मेंबर एट अ लेवल ऑफ अ मैनेजर। ठीक है, अब मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल पे, कि मैनेजर को हेल्प आउट करने के लिए जो कम्युनिकेशन मैनेजर होगा उसकी मदद के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए एक पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट भी होगा, पब्लिकेशन असिस्टेंट भी होगा, वेब या सोशल मीडिया असिस्टेंट भी होगा। जैसे कि इस टेबल में, इस ग्राफ में शो हुआ है, ये देखो कि कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन मैनेजर को सपोर्ट करने के लिए एक पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट भी है, पब्लिकेशन असिस्टेंट भी है, और वेब और सोशल मीडिया असिस्टेंट भी है। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट का क्या काम होगा, ही विल वर्क क्लोजली विद बोथ द फाइनेंस असिस्टेंट एंड मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर। और पब्लिकेशन असिस्टेंट का क्या काम है, कि वो पब्लिक रिलेशंस को देखेगा कि पब्लिक रिलेशंस अगर हैं उस एनजीओ के तो वो किस तरह के हैं, वो कैसे डील कर रही है पब्लिक के साथ, उसके जो मेंबर्स अगर पब्लिक से आ रहे हैं तो वो कैसे उनके साथ फंक्शन करेंगे। और जो वेब और सोशल मीडिया असिस्टेंट का क्या रोल है, कि जो एनजीओ की पब्लिकेशंस हो रही हैं वो सही तरीके से आगे लोगों तक फैलाई जाए और सही टाइम पे आगे लोगों तक पब्लिश की जाए। द लास्ट वन इज प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ठीक है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को देखने वाला कौन होगा, इसका भी कोई ना कोई मैनेजर होगा। प्रोग्राम मैनेजर को हेल्प आउट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट असिस्टेंट होते हैं, ट्रेनिंग असिस्टेंट होते हैं और बाकी असिस्टेंट होते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोजेक्ट पे कि प्रोजेक्ट किस साइज का है, प्रोजेक्ट के साइज पे डिपेंड कर रहा होगा कि प्रोजेक्ट के असिस्टेंट कितने होंगे, ट्रेनिंग असिस्टेंट कौन होंगे। जो शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स होंगे ये भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को। और जो फील्ड स्टाफ होगा, ठीक है, अब फील्ड में काम करने के लिए भी लोगों को हायर करते हैं ना, फील्ड में काम करने के लिए भी स्पेशली एडवर्टाइजमेंट्स आई हुई होती हैं कि इस एनजीओ में अपने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टाफ चाहिए, जो स्टाफ फील्ड में काम करेगा। तो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के अंदर फील्ड स्टाफ को भी हायर किया जाता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम एक दफा अगर इसमें देखें, इस मॉडल में, तो हमने पहले देखा था टॉप मैनेजमेंट को देखा था,
फिर हमने नीचे स्टाफ को देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन की चीजों को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट था, फाइनेंस असिस्टेंट था। अब फाइनेंस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी काम कर रहा है और ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी काम कर रहा है। जो मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर इस डोमेन में भी काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के अंडर भी काम कर रहे हैं और ये पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन का क्या मकसद था कि जो कम्युनिकेट कैसे कर रही है जो एक एनजीओ है वो बाकी लोगों के साथ, पब्लिक रिलेशंस कैसे मेंटेन रखे जा रही हैं, जो सोशल मीडिया असिस्टेंट है वो कैसे काम कर रहा है इन रिगार्ड टू द कम्युनिकेशन, और जो पब्लिकेशन हुई हुई है इस एनजीओ की उन पब्लिकेशंस को आगे कैसे फैलाया जा रहा है। फिर लास्ट मंथ था हमारे पास द प्रोग्राम मैनेजर, कि प्रोग्राम मैनेजर क्या है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करेगा, कि प्रोजेक्ट कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे असिस्टेंट्स होंगे। यहाँ पे आप देखें कि कम्युनिकेशन के अंडर सिर्फ एक ही असिस्टेंट है, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, पब्लिकेशन असिस्टेंट, वेब मीडिया असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी सिर्फ एक ही असिस्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फाइनेंस असिस्टेंट। लेकिन प्रोग्राम मैनेजर के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट बहुत सारे होंगे, ट्रेनिंग असिस्टेंट्स बहुत सारे होंगे और उसके अलावा और असिस्टेंट्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए, और वो डिपेंड कर रहा होता है एक प्रोजेक्ट के ऊपर कि एक प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल जाता है या कितना बड़ा है, उसकी रेंज क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है। जितना ज्यादा बड़ा कोई प्रोग्राम होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा, उतने ज्यादा उसके असिस्टेंट होंगे। और साथ में कंसल्टेंट भी होते हैं, कंसल्टेंट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, और फील्ड स्टाफ भी होते हैं कि फील्ड में काम करने के लिए भी स्टाफ